बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। आपके साथ मैं हूं सुष्मिता गौड़। आज के दिन यानी 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सहित लगभग सारे विश्व के लोग इसे मनाते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग हर दिन योगा करते हैं, पर आज के दिन देश के कोने कोने में योग दिवस मनाने की खबरें आ रही हैं। लोग सुबह योग करते नजर आए। गोंडा जिले के बच्चे ने भी योग दिवस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिले के 11 वर्षीय शशांक ने अपने घर की छत पर अनुलोम विलोम प्राणायाम व ध्यान लगाकर योग किया और बताया कि योगा सभी के लिए जरूरी है। अच्छी सेहत और फिट रहने के लिए योगा सभी को रोज करना चाहिए। इससे कोरोना सहित कई बीमारियों से भी सुरक्षा मिलती है। आज योग दिवस है। आज योग दिवस के दिन आज मैंने कई प्रकार की योगा की है और योगा बड़े से लेके बुजुर्ग तक, जवान महिलाओं से पुरुष तक करना चाहिए। बच्चों को भी करना चाहिए। योगा हम लोग के तन मन और सब चीज़ को शांत रखता है और कोविड-19 के रोग को मिटा सकता है और सब रोग को मिटा सकता है। योगा करने से शरीर बहुत फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है, इसलिए हम लोग को योगा हर रोज़ करना चाहिए और मैं योगा हर रोज़ करता हूँ। योगा करने से तन में जितनी बीमारियाँ हैं सब भाग जाती हैं, साथ साथ हम लोग फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और साथ साथ सबको योगा करना चाहिए। इससे सब लोग ताकि फिट रहें।